नमस्कार। अभी एक हाल ही में घटना घटी फिल्म लाइन की, और वो थी सुशांत सिंह राजपूत का इस दुनिया से चले जाना। इसे किसी भी रूप में लिया जा सकता है, लेकिन ये कई सारे सवाल हमारे सामने छोड़ के गया। ये सवाल हमारे जीवन में पहले भी आ रहे थे। पहले कैसे आ रहे थे, आप इसे समझ लीजिए। जब हम लोग फिल्में देखते हैं, खास तौर से हिंदी फिल्में, क्योंकि हमारी मातृभाषा में होती है, किसी भी प्रकार की जो फिल्में होती हैं वो समाज का एक आईना होती हैं और एक समाज को मैसेज देती हैं। हम बचपन से फिल्म देखते आए हैं, मैंने भी फिल्में देखी हैं, और हम ये मानते हैं कि फिल्म का हीरो हमेशा जीतता है, विलेन गंदा होता है और विलेन हारता है। यही बात हम लोगों के दिमाग में और जहन में बैठ गई है, तो लगता है कि हम ऐसे ही कार्य करने चाहिए जैसे कि फिल्म का हीरो करता है, यानी कि अच्छे काम, विलेन नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमारी आजकल की वर्तमान परिस्थितियों में जो फिल्में बन रही हैं और साउथ के अंदर जो फिल्में बन रही हैं, दोनों में बहुत अंतर है। वर्तमान जो हिंदी सिनेमा की फिल्में हैं, कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए, बजरंगी भाईजान को छोड़ दें और आपका कुछ और फिल्मों को छोड़ दिया जाए, तो ऐसे में ऐसा जो अभी वर्तमान में आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट आरोपित सिद्ध हो रहे हैं। फिल्मों में नेपोटिज्म की बात हो रही है, भाई भतीजावाद की बात हो रही है, तो बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। शुरू में सलमान बहुत अच्छा काम करता था, इसमें कोई शक नहीं है, और कभी कभी बीच में बहुत अच्छा, लेकिन अब वर्तमान समय में जो फिल्में आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत अच्छा एक्टिंग का स्थिति उसकी बची है। तो कुल मिला के अब उसे रिटायर होना चाहिए, अब उसे हीरो वाले रोल नहीं करने चाहिए, कहीं और आ जाए, अमिताभ की तरह बुजुर्ग हो जाना चाहिए। 52 साल के हो गए हो, 54 के सॉरी हो गए हो आप, तो ऐसी परिस्थिति में एक बुजुर्ग की अहमियत में आ गए हो। खैर, इन सब चीजों को छोड़कर मैं एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं अपनी हिंदी फिल्मों का और साउथ की फिल्मों का। लॉकडाउन के दौरान मैंने एक चीज देखी और पाया कि साउथ में जो फिल्में बनती हैं और उनको हिंदी में डब करके भेजा जाता है, ज्यादातर उनके नाम भी अजीब से होते हैं, हमें उससे मतलब नहीं होता, लेकिन वो जो फिल्में होती हैं वो बड़ी प्रभावशाली और एक कहना चाहिए कि एक लेसन देने वाली होती हैं, पढ़ाने वाली होती हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म आई साउथ की जिसका नाम है लेडी सिंघम 2। बिल्कुल उस फिल्म के अंदर कहने में तो लग रहा है कि भाई बड़ी मारधाड़ होगी, लेडी सिंघम 2 है और बहुत वो होगा, लेकिन जब उस फिल्म को मैंने देखा तो मैंने पाया कि गाय का महत्व, गाय के गोबर का, एक एक चीज का, गौमूत्र का, और न जाने गाय के गोबर से लेकर और उसके शरीर के हर हिस्से का कितना महत्व है, ये हमको समझ में आता है। तो गाय कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, शायद उत्तर प्रदेश सरकार को ये इस फिल्म को जरूर दिखाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, मजेदार भी है। मैंने उसके कुछ हिस्से को आपके लिए निकाला है कि उस फिल्म के अंदर का जो हिस्सा है मैसेज देने वाला। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत को बदनाम करने के लिए एक चाल चली जा रही है। उनका मकसद पहले हमारी खेती का विनाश करना है, और यदि खेती का विनाश करना है तो इसके लिए हमारे देश में गाय बैलों को खत्म करना है। हालांकि फिल्में बहुत बन रही हैं, तो क्यों ना फिल्म बनाने वाले सिलेबस को लेकर फिल्में बनाएं, बनाते भी हैं, जैसे तुलसीदास बनी, रामायण बनी, महाभारत बनी, ये हमारे सिलेबस और पाठ्यक्रम को समझाते हुए दिखाई दिए और किताब पढ़े बिना लोगों को याद होते हुए दिखे। इसके अलावा अगर हम क्यों ना अपनी ज्योग्राफी को लेकर फिल्में बनाए तो वो ज्योग्राफी हमें समझ में आ जाएगी। लेह लद्दाख पर जब शूटिंग करते हैं, जैसे कि 3 इडियट बनी, तो बहुत अच्छी थी, अगर उसी के दौरान में उसी 3 इडियट में थोड़ा सा और बढ़ा देते या 3 इडियट का दूसरा पार्ट कर देते लेह लद्दाख के ऊपर, तो लेह लद्दाख की जो ज्योग्राफी है उस पर लेकर भी एक फिल्म बनाई जा सकती है जो मजेदार होगी। तो क्यों ना बनाई जानी चाहिए ऐसी फिल्में जो आपके विषय भी कवर करते हो
और आपको नई जानकारी जाने अनजाने में आपके जहन और दिमाग में बैठा देते हो। शायद ट्रैफिक के नियमों को लेकर भी कोई फिल्म बननी चाहिए इस तरह की। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो हिंदी फिल्में हैं वो कोई मैसेज देती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। इक्का दुक्का साल दो साल में आ गई तो उनको छोड़ दीजिए। आमिर खान की तारे जमीन पर देख लीजिए, जो बच्चों के लिए एजुकेशन शिक्षा प्रति, और इसके अलावा आप पीके देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छी थी। अंधविश्वास को, अंधभक्ति को दूर करने वाली थी और सही मायने में एक दर्शन और मार्गदर्शन देती थी। इसी प्रकार से और बहुत सारी फिल्में हो सकती हैं, लेकिन मैसेज देने वाली फिल्में लॉकडाउन के दौरान में सबसे ज्यादा फिल्में जो देखी गई लोगों द्वारा हिंदी बेल्ट में, हिंदी डब की हुई साउथ इंडियन फिल्में देखी गई जो एक मैसेज देती हुई दिखाई देती हैं। तो प्लीज एक निवेदन है कि जब फिल्में आप बना ही रहे हो तो एंजॉय के साथ क्यों ना आप अपने सिलेबस को भी कवर कर लें। छठी से बारहवीं तक का सिलेबस को टारगेट करिए और वो आपकी फिल्म में कहाँ फिट होता है देखिए। यकीन मानिए कि बच्चे तो बच्चे, उनके पेरेंट्स और अभिभावक भी उस फिल्मों को देखेंगे और समझेंगे। अगर आप जितने भी टॉपर बच्चे पहले जमाने में रहे, अब तो रट्टू तोते वाले टॉपर हैं, मैं उन्हें टॉपर नहीं मानता, वो रटने वाले हैं, कंपटीशन में नहीं जाने वाले वो बालक। ऐसे में ये भी एक महत्वपूर्ण बात आती है, खैर उस पर अलग मुद्दे पर किसी दिन बात करेंगे, कि टॉपर बच्चे कितने कंपटीशन को फाइट करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इतना जरूर है कि टॉपर बच्चे भी जो अच्छे से पढ़ते हैं और कंपटीशन को फाइट करते हैं फिल्में जरूर देखते हैं। तो फिल्में मैसेज देने का बहुत अच्छा काम करती हैं। तो साउथ की फिल्मों से कुछ सीखिए और हिंदी में भी, यानी कि बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में और अच्छे हीरो को मौका दीजिए। एक चीज और, साउथ की फिल्मों में हर बार नया हीरो आता है, किसी हीरो का पर्टिकुलर कब्जा नहीं होता। तो प्लीज हीरो भी बदलिए, मौके दीजिए नई एक्टिंग करने वालों को, हो सकता है नई स्टाइल, नया तरीका प्रेजेंटेशन का मिले। शायद सुशांत राजपूत ऐसा ही था, तो शायद इसीलिए उसको, और करण जौहर जैसे आदमी को तो कोई माफ नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल तय है। यार ये पूरा देश ने महसूस किया इस बात को, ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान में दिमाग भी है, हिंदुस्तानी सोचते भी हैं, समझते भी हैं, बस जरूरी नहीं है कि आपसे लड़ें तभी आप समझेंगे, वो सब समझ जाते हैं और अंडर करंट रिजल्ट दिखा भी देते हैं। नमस्कार।